हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु पोरवाल स्वागत करता हूँ आपका अपने पोरवाल कोचिंग क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर के बारे में। तो स्क्वायर सीखेंगे आज हम। स्क्वायर क्या होते हैं? सबसे पहले स्क्वायर वो नंबर होते हैं जो सेम नंबर का मल्टीपल होता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर मतलब क्या कि 12 × 12 एंड 12 × 12 वो अपने ही सेम नंबर से मल्टीपाई करता है। उसके बाद जो नंबर आते हैं उनको स्क्वायर बोलते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग करेंगे आगे, हम लोगों को लर्न करना है कहाँ तक करना है। अगर लर्न करना है स्क्वायर, इतना आपको मिनिमम आना ही चाहिए 1 to 30 तक। 1 से 30 तक स्क्वायर आपको याद करना है। जो 1 से 30 तक स्क्वायर आप याद करेंगे, उसके आगे स्क्वायर निकालने मैं आपको सिखाता हूँ। बाकी 1 से 30 तक की जो स्क्वायर है वो मैं आपको एंड में वीडियो के लास्ट में लिखवा दूंगा। अब मैं लेता हूँ स्क्वायर में बेस। बेस मैंने लिया 100। स्क्वायर की चीज क्या होती है? सबसे पहले स्क्वायर में जैसे लेते हैं 10, तो 10 का स्क्वायर क्या कितना आया? 100। ये होता है 10 × 10 100। ये होता है स्क्वायर के टर्म। तो बेस मैंने लिया 100। उसके बाद अगर मैं बेस की बात करूं तो बेस मैं लूंगा 200 मान लेता हूं, फिर मैं लूंगा 300। ठीक है, ये मैं बेस लेके चलता हूं। सबसे पहले मैं बेस लेता हूं और बेस में मैंने निकाला 104 का स्क्वायर। मैंने लिया 104, एक नंबर लिया छोटा सा 104, इसका स्क्वायर निकालना है। 104 जो है 100 से कितना बड़ा है? 4 times बड़ा नहीं, 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। अब जितना ज्यादा है उसका ही डबल कर दो या फिर उतना ही उसमें ऐड कर दो। 104 में 4 ऐड करूंगा क्या होगा? 108। क्या होगा? 108। सपोज कर दो मैं एक नंबर और लेता हूं, चलिए एक नंबर और ले लेता हूं, 113 का स्क्वायर। 113 100 से कितना ज्यादा है? 13 ज्यादा है। तो 13 का स्क्वायर किया 169 आया। तो हमें लेने से 2 नंबर ही है। 1 क्या लिया? कैरी लिया। 13 ज्यादा है, 13 में 13 जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा? 126। नहीं तो इसी 13 का डबल कर दूंगा 26, फिर 100 को मैं ऐड कर दूंगा। तो आ गया ये 126 और एक जो कैरी था उसको लिखा मैंने, क्या हो गया? 127। कितना आ गया? 127। ये 100 का बेस लिया था मैंने, 2 नंबर 100 से ज्यादा ले लिए थे। अब मैं 2 नंबर 100 से नीचे ले लेता हूँ। सपोज करता हूँ मैंने लिया 98 लिया। जो ये 98 है ये 100 से कितना कम है? 2 कम है। 2 कम है तो क्या करूंगा? सबसे पहले मैं 2 का स्क्वायर करूंगा। 2 का स्क्वायर किया कितना आया? 4। जितना कम है उतना ही, जैसे 2 कम था 2 का स्क्वायर किया तो 2 इसमें और भी कम कर लो, नहीं तो वो 2 का डबल करो और फिर जो आपने बेस माना था 100 उसमें से माइनस कर लो। 2 का डबल हुआ 4, 100 में से माइनस किया 4, कितना आया? 96। कितना आया? 96। सपोज एक नंबर और लेता हूं, चलिए मैं लेता हूं 88 का स्क्वायर। 88 का स्क्वायर लेता हूं। अब 88 में क्या होगा? ये 100 से कितना कम है? 12 कम है। तो 12 का स्क्वायर करूंगा 144। 1 क्या आया? कैरी आ गया। जितना कम है उतना ही उसका डबल कर दो। 12 कम था तो 12 माइनस कर दो 76, और ये 1 ऐड कर लूंगा तो 77। नहीं तो 12 कम है, 12 दूनी 24, डबल करो 12 का डबल, 100 में से माइनस करो तब भी 76 आएगा, और 1 ये 77। ये आपका 100 का बेस। मैंने 2 क्वेश्चन आपसे 100 से ऊपर ले लिए, 2 क्वेश्चन 100 से नीचे ले लिए, जिसमें 100 का आपने बेस लिया। ठीक है ना? अब 100 के बेस के बाद अब पढ़ते हैं 200 की तरफ। एक बार 200 का भी ले लेता हूँ, फिर आपको 300 का करा दूंगा। सबसे पहले मैं 200 बेस लेता हूँ। इस बार मेरा बेस आया 200। कितना आया? 200 बेस आया। सबसे पहला नंबर मैंने लिया 208 इसका स्क्वायर। ये जो 200 है ये 100 पहले बेस लिया था, तो अब 200 बेस ले रहा हूं, और 200 100 से कितने टाइम्स है? ये है 100 का 2 टाइम। कितना ये 100 का 2 टाइम है? 208 है 208। 200 से कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा है। तो 8 का स्क्वायर किया 64। 8 का स्क्वायर किया 64। जितना ज्यादा है उतना ही उसका डबल कर लो। 8 ज्यादा है तो क्या हो गया? 8 का 8 जोड़ा 16 हो गया। 216 होगा, कितना होगा ये? 216। और ये 2 टाइम था ना, तो मैं इसका 2 टाइम कर दूंगा। 216 का 2 टाइम मैं करूंगा कितना आएगा? 432। कितना आएगा? 432। सपोज मैं एक और ले लेता हूं, मैंने इस बार ले लिया 215। 15 इस पर किया 225। इस बार हासिल कितना आ गया? 2 आ गया।
अब 15 इसमें जोड़ दूंगा तो 230 हो जाएगा, या फिर 15 का डबल कर दूंगा 30, और 200 में ऐड कर दूंगा, 230 हो गया 230। अब ये जो 230 आया उसका मैं क्या करूंगा, सबसे पहले डबल करूंगा, कितना होगा 460, 460 में ये ऐड कर दूंगा, कितना हो जाएगा 462। 200 बेस है, 200 से ऊपर नंबर लिए, 200 से अगर मैं नंबर नीचे लूंगा तब भी क्या होगा, यही होगा। सपोज करता हूं मैं एक नंबर ले लेता हूं छोटा सा 196, इसका स्क्वायर किया, 200 से कितना कम है, 4 कम है, 200 से जितना कम सबसे पहले उसका स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 4 कम है 4 और कम कर दो तो ये कितना हो जाएगा 192, या फिर 4 का डबल कर लो 8 और 200 में से माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 192, 192 आया, इसका 2 टाइम कर दो, कर दो कितना आ गया 384, ये आ गया 38416। आपका 100 बेस हो गया, 200 बेस हो गया। अब मैं 300 500 लेता हूं, उसके पहले मैं आपको 50 लेके चलता हूं, इससे छोटे वाले नंबर, कि आपको 30 तक के नंबर तो मैंने आपको याद करा दिए, आप उसके ऊपर के नंबर जिनका आप निकालेंगे, या 100 से जो नीचे नंबर आएंगे जिनका आप निकालेंगे स्क्वायर, वो कैसे निकालेंगे, चलिए बढ़ते हैं उनकी तरफ। अब हम लेते हैं 50 का बेस। अब हमने जो बेस लिया वो लिया 50, कितना लिया 50, तो सिर्फ 50 क्या है, 100 का हाफ है ना, 50 100 का हाफ है, तो क्या करेंगे हम 50 का हाफ करेंगे, तो ये जो आएगा काट के वो आएगा 25। अब हमारा जो भी रिलेशन होगा वो होगा इस 25 से। सबसे पहले सपोज करता हूं मैं 53 का स्क्वायर करता हूं, बहुत सिंपल, जितना ज्यादा है 50, जो ये 53 है ये 50 से जितना ज्यादा है, यानी 3 ज्यादा है तो 3 का स्क्वायर किया कितना आया 9, और जितना ज्यादा है उतना ही 25 में ऐड कर दिया, कितना आ गया 28, कितना आ गया ये 28। अगर ऐसे ना करना तो एक तरीका और ले लेता हूं मैं, सपोज करता हूं 53 का स्क्वायर किया, जितना ज्यादा है उसका पहले स्क्वायर किया, 50 से ज्यादा है जितना 3, तो 3 का स्क्वायर क्या आया 9, 3 इसमें ही ऐड किया तो कितना हो गया 56, कितना हो गया 56, इसका हाफ कर दिया तो कितना आ गया ये 28। या फिर आप ये तरीका फॉलो कर लो, या फिर आप जितना ज्यादा उसका करो और फिर 25 बेस मानकर उतना ही ऐड कर दो। सपोज करता हूं मैं 57, 7 का स्क्वायर किया 49, 7 ज्यादा है ना तो 7 ही 25 में ऐड कर लिया, कितना आ गया 32, कितना आ गया 32। दो मैंने आपके ज्यादा के बता दिए, चलो एक और ले लेता हूं ज्यादा का, 63 ले लिया, 63 50 से कितना ज्यादा है 13, 13 का स्क्वायर किया 169, हासिल कितना आया 1, जितना ज्यादा है 13 इसमें ऐड किया 38, कितना हुआ 38, और 1 जो हासिल वाला है कितना हो गया 39। चलिए इस तरीके से निकाल के दिखाता हूं, 63 का स्क्वायर, सबसे पहले 13 ज्यादा है तो 13 का स्क्वायर 169, 1 कैरी, लिखते हम सिर्फ 2 डिजिट ही है स्क्वायर में, यहां 3 डिजिट आया तो भी हम 2 लिखेंगे, 13 ज्यादा है 13 इसमें ऐड कर लिया, कितना हो गया ये 76, उसमें हाफ कर दिया, कितना आ गया ये 3, और कितना होगा ये 8, और जो ये 1 हासिल था वो कितना आ गया 39। या फिर आप इस तरीके से करो, या फिर आप इस तरीके से करो, एक 2 नंबर 3 नंबर ज्यादा ले लिए, अब हम नंबर ले लेते कम, सपोज करता हूं मैं 46 ले लिया, 46 50 से कितना कम है 4 कम है, 4 कम है तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, जितना कम है उतना ही 25 में से माइनस कर दो, कितना आ गया 21 आ गया। एक और ले लेते नंबर 42 का स्क्वायर, 50 से 42 कितना कम है 8 कम है, 8 का स्क्वायर किया 64 आ गया, जितना कम है उतना ही इसमें कम कर दो, 25 में से 8 कम गए कितने बचे 17, 1764, ये आपके नंबर्स आ गए। मैंने 50 का बेस लिया था, 100 भी ले लिया 200 भी ले लिया, जैसे मैंने 25 तक याद करा दिया 30 तक आपको याद करा दिया, फिर मैंने 50 का बेस लिया तो आपके 50 के बीच के नंबर कवर हो जाएंगे। अब मैं बात करता हूँ 100 और 200 के बीच में, आपके बहुत सारे नंबर आते हैं तो मैं बीच का लेता हूँ 150, और 150 क्या होता है 100, ये जो भी नंबर होता है उसका 3/2 टाइम्स होता है, जैसे ये हाफ हुआ था ये 2 टाइम हुआ था, तो 150 कितना होता है
थ्री बाई टू टाइम कैसे होता है, 150 है ना, काट लो 5 या 15, 5 दस कितना आ गया, 3/2 टाइम कितना आ गया, 3/2, 3/2 आ गया। सपोज एक नंबर ले लेता हूं मैं, 156 स्क्वायर किया, 156 डेढ़ सौ से कितना ज्यादा, 6 ज्यादा, 6 का स्क्वायर किया कितना हो गया, 36 हो गया। जितना ज्यादा उतना ही उसमें ऐड करो या फिर उसका डबल करो, और बेस जो आपका 150 था उसमें ही वो ऐड करना है। जितना ज्यादा यानी 6 ज्यादा, 6 इसमें जोड़ दो 162, नहीं तो 6 दूनी 12, 12 जोड़ो 150 में तब भी 162, कितना हुआ ये 162। कितने टाइम अभी ये 3/2 काट दो 2 से, 81 मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 3 और 3 8 24, ये आपका 150 का हुआ, 24336। अब आगे बढ़ते 150 के कुछ नंबर और ले लेता हूँ, फिर हम 300 500 700 एक एक आपको निकाल के दिखा देता हूँ, फिर आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से सबको स्क्वायर निकालना है, और लास्ट में आपके मैं वही 1 से 30 तक के सारे स्क्वायर नंबर लिखवा दूंगा। अब इसे रफ करते हैं, अभी मैंने 150 बेस लिया था, अब 150 बेस से एक दो क्वेश्चन और करा देता हूँ, ठीक है ना, जिसमें आपको बहुत इजी हो जाएगा। मैंने बताया था ये 3/2 टाइम्स होता है जो भी आपका नंबर होगा उसका। अब 150 का मैं सपोज करता हूँ 159 का निकालता हूँ, 9 का स्क्वायर, ये जो 150 है 159 से कितना ज्यादा, 9, तो 9 का स्क्वायर किया 81, 9 का स्क्वायर किया 81, जितना ज्यादा उसके उसमें डबल, 9 ऐड कर दिया 168 का 3/2 टाइम किया, 2 8 16 और 2 4 8, 84 को 3 से किया, 3 4 12, 1 कैरी, 3 8 24 1 25, तो ये आ गया 25281। ये मैंने ज्यादा के दो नंबर ले लिए, पहले मैंने नंबर लिया था 156, देन अब ले लिया 159, एक दो नंबर छोटे के ले लेता हूँ, 159 ले लेता हूँ मैं, 150 से कितना कम है, 1 कम है, 1 का स्क्वायर किया 01, जितना कम है उतना ही माइनस किया या फिर उसका डबल माइनस किया 150 में जो बेस है आपका, 1 माइनस किया कितना हो गया 148 हो गया, इसका 3/2 कर दिया, 2 7 14, 2 4 8 मल्टीप्लाई कर दिया, 3 4 12, 1 कैरी, 3 7 21 01 22 22 201, ये 22201 आपका आ गया, ये आपने बेस लिया था 150। अब मैंने आपका बेस ले लिया 100 200 50 150, अब मैं लेता हूं एक बड़ा नंबर और बेस लेता हूं इसका 500, ये 100 का 5 टाइम्स है, कितना टाइम है 5 टाइम्स, तो जो भी नंबर आपका आएगा उसको आप क्या करेंगे 5 से इंटू करेंगे। सपोज मैंने किया 518, इसका स्क्वायर किया 518, 500 से कितना ज्यादा, 18 ज्यादा यानी 18 ज्यादा, तो 18 का मैंने स्क्वायर किया कितना होता है 324, मैंने लिख दिया यहाँ पर 24 क्योंकि हम दो ही डिजिट लिख सकते हैं, 3 लिख लिया कैरी, 18 ही जाता है तो 18 इसमें ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 536, कितना हो गया ये 536, इसका 5 टाइम कर देंगे, करिए 5 टाइम कितना होगा, ये होगा 2680, कितना होगा ये 2680 मल्टीप्लाई करने पर, और 3 उसमें ऐड कर देंगे तो 2683, कितना आ गया ये 268324, ये आपका नंबर आ गया 518 का मल्टीप्लाई करने पर, ये 518। अब आप इसमें 700 ले लो, 900 ले लो, कुछ भी ले लो, करना सेम तरीके से। चलो एक बार मैं 718 ले लेता हूँ, या 700 कुछ बड़ा, कोई भी बड़ा नंबर, 712 ले लिया, 18 तो मैंने यहाँ पे ले लिया, 712 ले लेता हूँ, ये 100 का कितने टाइम्स है 7 टाइम, तो पहले 12 का स्क्वायर 144, 1 कैरी, 12 है तो 12 इसमें ऐड किया, 724 हो गया, 724 7 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया, 7 4 28, 2 कैरी, 7 14 और 2 16, हासिल 49 और 1 50, और उसमें 1 ऐड कर दिया, तो 5069, ये आपका आ गया 5069, 68 था 1 कैरी आया तो 9 आ गया 5069, ये आपका हो गया 700 वाले। अब इसे रफ करते हैं,
अब लेते हैं फाइव के टर्म्स। सबसे पहले आपको इतना भी पता होना चाहिए कि जो भी आपके स्क्वायर नंबर होते हैं उनका यूनिट प्लेस क्या होता है। सपोज करते हैं फाइव के टर्म्स, सपोज किया मैंने 55 का स्क्वायर किया, ठीक है ना, 55 ले लिया, 75 ले लिया, 95 ले लिया, सारे फाइव वाले ले लिए। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है फाइव वालों का। फाइव का मतलब क्या है, ये जो फाइव दिया लास्ट में, यानी कि मुझे पता था कि फाइव का मैं स्क्वायर करूंगा लास्ट में ये यूनिट प्लेस जो आएगी वो फाइव ही आएगी। तो पांच का स्क्वायर किया कितना हो गया 25, और जो ये नंबर था उसका नेक्स्ट टर्म से मल्टीफाई करना है, यानी पांच है तो छह से करना है, पांच एक 30, पांच पंच 25, सात है तो आठ से करना है नेक्स्ट नंबर, सात अट्ठे 56, चलिए ठीक है, 5 5 25, 9 है नेक्स्ट नंबर क्या है 10, तो 9 10 से क्या हुआ 90, ये आपके हो गए। याद करिए मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन में सिखाया था, जो मैंने मल्टीप्लाई बताए थे आपको जब मल्टीप्लाई की वीडियो मैंने डाली थी उसके अंदर मैंने बताया था कि कोई भी नंबर जैसे 55 है इंटू 55, अगर यूनिट प्लेस का सम 10 आ रहा है और जो 10 प्लेस यानी जो नंबर है वो सेम है तो उनका क्या होता है, जो लास्ट यूनिट वाले नंबर होता है उनका मल्टीपल होता है, जो उससे पहले वाला नंबर होता है उसका क्या होता है नेक्स्ट नंबर से मल्टीपाई। तो सेम वही ट्रिक फॉलो हो रही है, 5 5 25 और 5 1 30, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम एग्जाम्पल कराया था 43 × 47, 7 3 10, तो 7 3 21, 4 का नेक्स्ट नंबर क्या है 5, 4 5 20, ये आपके नंबर है, आपका सेम उसी कॉन्सेप्ट से फॉलो हुआ है। अब मैंने आपको 100 बेस भी ले लिया, 200 बेस भी ले लिया, और मैंने आपको जो बताया कि अगर उसके बीच के नंबर आते हैं तो उनके भी उतने टाइम में मल्टीप्लाई होते हैं, जैसे मैंने 150 लिया था, 150 क्या हुआ 3/2 टाइम, अगर 250 होता तो मल्टीप्लाई 2.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी जैसे 200 था तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 250 है तो 2.5 क्या होता है 5/2, सेम ऐसे ही आप नंबर ले लेते हैं, 750 होता तो 7.5 करते हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको क्या करता हूँ कि जो भी आपके नंबर से 1 से लेकर 30 तक के वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, वो आप याद कर लेना, बाकी मैंने आपको स्क्वायर निकालने की सारी ट्रिक्स सिखा दी है, ठीक है। तो मैं अभी आपके लिए नंबर लिखवा देता हूँ वो सारे के सारे, कि 1 का स्क्वायर जो भी हुआ 1 का स्क्वायर, एक रफली बताता हूँ, 1 × 1 1, 2 का स्क्वायर 2 × 2 क्या होता है 4, अब मैं बाकी सारे नंबर लिख के नहीं दिखाऊंगा, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, ये आपके नंबर्स हैं और ये आपके क्या है स्क्वायर नंबर जो आए हैं, 4 का स्क्वायर किया 16, 5 का स्क्वायर किया 25, 6 का किया 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, ये 10 तक हो गए। उसके आगे भी लिखवाता हूँ सेम वही नंबर्स, और आपके यहाँ पे क्या आएंगे स्क्वायर नंबर जो भी आपके मल्टीप्लाई करने पर आएंगे कंप्लीट स्क्वायर निकालने पर। 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400। आगे और भी लेता हूँ आपको 30 तक लिखवा देता हूँ आपके जो भी नंबर से वो और उनका स्क्वायर नंबर जो आता है निकालने के बाद। 20 तक हो गया, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर 784, 29 का स्क्वायर 841, 30 का स्क्वायर 900। ये आपके 30 तक के स्क्वायर्स हो गए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये स्क्वायर की वीडियो जो है मेरी वो पसंद आई होगी आप लोगों को। आप लोगों को आगे स्क्वायर के और भी ट्रिक्स जाननी हो तो मैं आपके स्क्वायर के और भी मेथड लेके आऊंगा, ठीक है। मैं आपके लिए स्क्वायर रूट नेक्स्ट वीडियो में स्क्वायर रूट लाने की कोशिश करता हूँ और आपके नेक्स्ट वीडियो में स्क्वायर रूट लेके आता हूँ, उसके आगे मैं क्यूब और क्यूब रूट भी लेके आऊंगा।
तो आशा करता हूँ आपको ये सारी वीडियो मेरी जो भी आ रही होंगी पसंद आ रही है, और आप इसी के माध्यम से मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।